नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज 9 में। बिहार की खबरों पर एक नज़र। रोहतास जिला में एकमात्र रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन में शामिल, सासाराम को विश्व स्तरीय बनाने को ले आज स्टेशन के समग्र विकास के लिए तैयार तकरीबन आधा दर्जन विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन का कार्य स्थानीय सांसद छेदी पासवान के द्वारा किया गया। शिलान्यास से सर्कुलेटिंग एरिया, दूसरा प्रवेश द्वार, नए फुटब्रिज, स्टेडियम का जीर्णोद्धार सहित तकरीबन आधा दर्जन विकास कार्यों के लिए 12.25 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इस अवसर पर सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने कहा कि सासाराम में स्टेशन का विकास और स्टेडियम का निर्माण मेरा सपना था जो पूरा हो गया। आइए जानते हैं छेदी पासवान से। देखिए भाई, यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ के सांसद होने के नाते, हमारी हार्दिक इच्छा है कि सासाराम में स्टेशन का चौमुखी विकास हो और अधिक से अधिक सुंदर कैसे बन सकता है। इसके लिए हम जब से MP बने हैं तब से प्रयास कर रहे हैं। उसका फलसन भी हमको मिला है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला है। जो भी रेल पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे इस रेल विभाग से संबंधित पदाधिकारी हैं, उन लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है। हमको बात करने में DRM साहब से लगता ही नहीं है कि मैं किसी पदाधिकारी से बात कर रहा हूँ। DCM साहब से बात करना तो नहीं लगता है कि कोई बड़े पदाधिकारी से हम बात करें। हम दोस्त की तरह हम लोग बात करते हैं और जो सुझाव हम देते हैं स्टेशन के, उसमें इन लोगों का सहयोग भी रहता है। हम जरूर, हमारी हार्दिक इच्छा है कि स्टेशन अधिक से अधिक सुंदर कैसे हो, सफाई पर विशेष ध्यान रहे। जैसा कि पांडे जी ने कहा, सफाई होना चाहिए। सफाई ईश्वर का दूसरा नाम है। हम जब विद्यार्थी थे, 9th क्लास में पढ़ रहे थे, एक बार इलाहाबाद गए थे, बहुत समय पहले की बात हम बता रहे हैं, तो स्टेशन पर जब हम उतरे तो वहाँ एक चीज़ हम देखे कि स्टेशन से लेकर के अब पूरे इलाहाबाद शहर में एक ही बैनर लगा हुआ था, सफाई ईश्वर का दूसरा नाम है, सफाई ईश्वर का दूसरा नाम है। ऐसा दिल दिमाग पर उसका छाप पड़ा कि आज तक उस पर सफाई पर मोदी जी शुरुआत किए हैं, गांधी जी भी शुरुआत किए हैं, लेकिन हमारे शुरू से हमारी हार्दिक इच्छा रही है कि सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और होना चाहिए। इसलिए जितना स्टेशन साफ सुथरा हो, स्टेशन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यहाँ के लोगों की जो बाहर से आए हैं यहाँ से एक मैसेज लेकर जाएंगे, और यहाँ यात्रियों को कैसे सुविधा मिले, कारण की गाड़ियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 4-5 गाड़ी तो हम अपने समय में रुका भी है, इससे यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से उनको आने जाने में सहूलियत हो सके, इसलिए रेलवे का प्लेटफार्म का फुट ओवर ब्रिज का विस्तार कैसे हो, गेट बनी ज़्यादा जाम हो जाए तो उसके अलावा इंटरेस्ट का एक रास्ता अलग से बने, वो भी हो रहा है। खेल कूद पुनः यहाँ जीवित हो, कारण की खिलाड़ियों की शुरू से मांग रही है कि आप खिलाड़ी हैं और आपके समय में स्टेडियम नहीं बन रहा है, वो भी बन रहा है। तो इस तरह हम समझ रहे हैं कि सासाराम स्टेशन का और सासाराम के अगल बगल इसका चौमुखी विकास हो रहा है। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि सासाराम में राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव जिस दिन हो जाएगा, मेरा लड़ाई खत्म हो जाएगा रेल विभाग से। इसलिए हमारी हार्दिक इच्छा है कि राजधानी यहाँ रुके। उसमें हम सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि उसमें आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए।